हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज हफ्ते का दूसरा दिन और काफ़ी वियर्ड मार्केट आज देखने को मिला। वियर्ड इन द सेंस काफ़ी एब्जर्ड मूव आज देखने को मिले, काफ़ी उथल पुथल देखने को मिली, एक्सट्रीम मूव्स इसे कह सकते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। आज देखे निफ्टी तो हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ है, डेली चार्ट पे डोजी कैंडलस्टिक बना हुआ है और बैंक निफ्टी में हल्की सी गिरावट देखने को मिली। तो ये 5 मिनट का चार्ट आपको यहाँ पर आज की एक्टिविटी शो कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये मूव आई थी, 90 डिग्री अप चला गया और वही 90 डिग्री डाउन आ गया और फिर से वही रिकवर हुआ मार्केट, और उसके बाद ये इस तरह से मार्केट कुछ ट्रेड कर रहा था। तो ट्रेंडलेस मार्केट, एब्जर्व्ड मूव, एक्सट्रीम मूव देखने को मिल रही थी। काफ़ी वोलेटाइल सेशन था आज, लेकिन जो हमने यहाँ पर लेवल्स मार्क किए थे आप देख सकते हो, ये ऊपर फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, नीचे ये ब्रेक डाउन लेवल ब्रेक हुआ, तो लो देखिए कहाँ पर लगाया, एग्जैक्ट जो हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल हमने कल मार्क किया था उसी के पास इसने सपोर्ट लिया, बाउंस बैक हुआ है, फर्स्ट टारगेट के पास रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर ऊपर गया तो सेकेंड टारगेट के पास भी इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया है। तो जो लेवल्स यहाँ पर हमने मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आते हैं। काफ़ी वियर्ड मार्केट आज देखने को मिला है। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये देखते हैं, इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट है। अभी कल हमने देखा था यहाँ पर ये निफ्टी क्लोज हुआ था जस्ट इस ब्लू लाइन के पास, तो आज ये ऊपर ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ फर्स्ट आर में और यहाँ से ये पूरा नीचे आया, ये सेकेंड कैंडल था। आप 5 मिनट के चार्ट में देखा होगा 90 डिग्री ट्रेंड रिवर्सल मूव्स हमें आज देखने को मिले। तो यहाँ पर ये फिर से ऊपर जाते समय ये पिंक लाइन को अटक रहा था, तो कहीं ना कहीं ये जो निफ्टी है अभी इन मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। तो यहाँ पर कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा पिंक लाइन के ऊपर, यानी ये 22390, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बनेगा 22407 का और सेकेंड टारगेट होगा 22424 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ब्रेकडाउन लेवल हमारा जो कल था वही सेम होगा, 22303 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा 22286 और सेकेंड टारगेट होगा 22267, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। डोजी कैंडल बना हुआ है आज, डेली चार्ट को अगर देखें तो जो ट्रेंड लाइन था हमारा उसी के पास ये डोजी कैंडल बना हुआ है, तो हो सकता है कल फिर एक बार बाउंस बैक करें, और जब तक ये सपोर्ट यहाँ पर है पिंक लाइन का तब तक हम मान के चल सकते हैं निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। अभी चल जाए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपको ये क्लियर कट आज मूव देखने को मिलेगा, किस तरह से ये ब्रेकडाउन लेवल के पास आया, सपोर्ट लिया और 90 डिग्री अप गया, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों अचीव हुए और उसी जिस स्पीड से ये ऊपर गया था उसी स्पीड से ये नीचे आया, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट यहाँ भी अचीव हुए, इसी के पास सपोर्ट लिया बाउंस बैक हुआ और पूरा दिन ये जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल है इसी जोन में ये पूरा दिन ट्रेड हो रहा था। तो ट्रेंडलेस मार्केट उसके बाद देखने को मिला और ये ऑब्जर्व मूव, तो काफ़ी उथापथल आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं इसके लिए इसको भी 60 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करेंगे। कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 47171, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा ये ग्रे लाइन 47100 के आसपास है, उसके नीचे सेकेंड टारगेट होगा 46998, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा ये ब्लू लाइन के जस्ट ऊपर 47406, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 47467 और सेकेंड टारगेट होगा 47532, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।